गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माय नेम इज सीए संकेत एंड आई थैंक्स सीए विवेक खुराना जी एंड सीए संसार चैनल टू प्रोवाइड मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन माय टॉपिक सेलिंग ऑफ द बिजनेस लॉसेस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज जितने भी बिजनेस हाउसेज हैं वो सारे बिजनेस हाउसेज वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम को लेकर उनको इश्यूज रहता है, उसके बाद में बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है या कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं या किसी और तरह की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बिजनेस के अंदर लॉसेस जनरेट हो जाते हैं और वो बिजनेस हाउसेस उस लॉसेस को रिकवर नहीं कर पाते हैं। उनके फाइनेंशियल सारे जितने भी होते हैं वो सारे फाइनेंशियल से गलत नंबर शो करते हैं और बहुत से बिजनेस हाउसेज ऐसे होते हैं कि वो बैंक से लोन ले लेते हैं, काफ़ी सारा टर्म लोन्स ले लेते हैं, कैश क्रेडिट लिमिट्स ले लेते हैं और वो भी सारी टाइम पे नहीं हो पाती है। तो अगर तो हम इस तरह का अगर कोई ऐसा अरेंजमेंट कर सकें कि अगर जो हमारे बिजनेस के लॉसेस होते हैं उन लॉसेस को अगर हम सेल करना स्टार्ट कर दें या गवर्नमेंट एक इस तरह का प्रोविज़न लेके आ जाए कि जो बिजनेस के लॉसेज मेरे एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, अगर मैं कोई एक बिजनेस रन कर रहा हूँ और मेरा वो बिजनेस कई साल से लॉसेस पे लॉसेस इनकर किया जा रहा है और अगर मैं उस लॉसेस को सेल करने के बाद में एक अगर मान के चलिए अगर कुछ वर्किंग कैपिटल मेरी अरेंज हो जाएगी तो उससे बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हो जाएंगे। तो आज का ये अपना टॉपिक सेलिंग ऑफ द बिजनेस लॉसेस के ऊपर है, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि अगर गवर्नमेंट स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी अगर एक इस तरह का कोई नया कंसेप्ट लेके आती है तो किस तरीके से ये एक गेम चेंजर होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एज वेल एज द बिजनेस हाउसेस के लिए और इंडिया की इकोनॉमी के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया आगे बढ़ती जा रही है और नाउ एक थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इंडिया आ गई है, जहाँ पे कि इंटरनेट ऑफ थिंग, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री न्यू कंपनीज जनरेट हो गई हैं और नई तरह की कंपनीज आ गई हैं। अब उन कंपनीज में क्या होता है कि और जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो भी नॉर्मल ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करते जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बिजनेस हो रहे हैं। अब उन सारे इस चीज़ों से जो ये आईटी का जो ये डिसरप्शन हुआ है, इस डिसरप्शन से क्या है कि या तो बिजनेस आपका एक्सपेंड होता है या बिजनेस आपका श्रिंक हो जाता है। अब अगर एक्सपेंड होता है तो बहुत अच्छी बात है, इट्स गुड, बट अगर आपका बिजनेस श्रिंक हो रहा है या अगर मान के चलिए बिजनेस में लॉसेस इनकर हो रहे हैं तो वो बिजनेस एक सिक इंडस्ट्रियल यूनिट बन जाती है और वो सिक इंडस्ट्रियल यूनिट जो बन जाती है वो सिक इंडस्ट्रियल यूनिट को उसको रिवाइव करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए गवर्नमेंट भी कई सालों से काम कर रही है, अलग अलग तरह के एक्ट बनाए, जैसे कि सरफासी एक्ट गवर्नमेंट ने बनाया, जैसे कि एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड गवर्नमेंट ने बनाया सो दैट कि कंपनी इंसॉल्वेंट हो और उसको वो कंपनी रिवाइवल हो और जो ओनर्स हैं वो एक नई तरीके से स्टार्टिंग कर सकें। बट ये जो है ये एक बहुत ही टेम्प्रेरी मेजर्स हैं और जो मेजर कंपनीज हैं, जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं या जो कह सकते हैं मेजर पार्ट ऑफ द सेक्टर या इकोनॉमी का है वो इन सब चीज़ों से बेनिफिट नहीं ले पाता, क्योंकि इन चीज़ों का जो टाइम होता है, इस प्रोसेस को पूरा करने का जो टाइमिंग होती है वो इतना लंबा होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है और से 2-3 साल लग जाते हैं एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को कंप्लीट करने में और वो 3 साल के बाद में बिजनेस का एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी वगैरह सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इसी तरह जैसे कि एक मर्जर एंड एक्विजिशन का भी कंसेप्ट होता है, मर्जर एंड एक्विजिशन में क्या होता है कि जो बिजनेस के लॉसेज होते हैं वो बिजनेस के लॉसेज एक दूसरी कंपनी एक्वायर कर लेती है और उसके बाद में उस लॉसेज का फायदा उठाती है, बट वो जो एक्विजिशन का टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड भी शायद 1.5 से 2 साल या 3 साल तक हो जाता है और उसमें जो कॉस्टिंग होती है बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम इस तरह का कोई एक प्रोविजन ले आएँ कि जो मेरे बिजनेस के जो लॉसेज हैं, जो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अगर उन लॉसेज को एज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह अगर मैं उन लॉसेज को सेल कर दूँ मार्केट में, जैसे कि एक लाइसेंस सेल होता है
और उस लॉसेस को सेल करने के बाद में एक प्रॉफिटेबल फर्म अपने प्रॉफिट को कम करके टैक्सेस का सेविंग कर ले, और जो लॉस मेकिंग फर्म है उसके पास में कुछ वर्किंग कैपिटल हो जाए, तो उससे क्या होगा, हमारी जो सिचुएशन होगी वो बैलेंस आउट हो जाएगी। अब सिचुएशन हमारी किस तरीके से बैलेंस आउट होगी कि अगर मान के चलिए कि अगर मान के चलिए मेरे पास में टैक्स का क्रेडिट, अगर मेरा एक्सेस प्रॉफिट आ रहा है, और अगर मान के चलिए कोई दूसरी कंपनी ऐसी है जिसके पास में लॉसेस हो रहे हैं, और बट मेरा प्रॉफिट तो बुक्स में आ रहा है बट मेरे पास में एक्चुअल में वर्किंग कैपिटल नहीं है, बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल नहीं है, तो अगर मैं टैक्स की क्रेडिट्स को ले लेता हूँ, किसी से परचेज कर लेता हूँ और उसको अपने प्रॉफिट्स के साथ में एडजस्ट कर लेता हूँ, तो वहां पे मेरे को क्या फायदा होगा कि मेरे को थोड़ा सा टैक्सेस कम देने पड़ेंगे। और जो लॉस मेकिंग कंपनी होगी उसको ये फायदा होगा कि उस कंपनी के पास में वर्किंग कैपिटल आ जाएगा और लॉसेस उसकी बुक से खत्म हो जाएंगे। अगर वर्किंग कैपिटल आ जाएगा तो उसके बाद में ये फायदा होगा कि वो वर्किंग कैपिटल से एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, उसी बिजनेस में भी और पैसा लगा सकती है। दूसरी तरफ ये है कि जो बैंक्स के जो फाइनेंशियल बर्डन होते हैं वो बैंक्स के फाइनेंशियल बर्डन भी कम हो जाएंगे, यानी कि कंपनीज को बैंक्स के ऊपर जो निर्भरता उसकी रहती है कि भाई बैंक उसको वर्किंग कैपिटल दे, उसको टर्म लोन दे, उसको ओडी दे या सीसी दे, तभी मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तो वो वाली चीज भी कम हो जाएगी। अब देखिए टैक्स क्रेडिट होते क्या है, टैक्स क्रेडिट बेसिकली जैसे किसी भी तरह का बेनिफिट या इंसेंटिव डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर गवर्नमेंट देती है इसको, ये टैक्स बेनिफिट, ये टैक्स क्रेडिट्स होते हैं। अब इंडिया में अगर एज ऑफ नाउ देखा जाए तो केवल 15-20 तरह के जो मैक्सिमम टैक्स क्रेडिट्स होते हैं वो मिलते हैं, जैसे कि कैपिटल सब्सिडी है, इंटरेस्ट सब्सिडी है, लो कॉस्ट सब्सिडी है, टैक्स रिलीफ है, या और तरह के या ड्यूटी ड्रॉबैक्स हैं। बट ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स बेनिफिट्स होते हैं ये ज़्यादातर नई कंपनीज को मिलते हैं, और ज़्यादातर ऐसी कंपनीज को मिलते हैं जो कंपनीज मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और जो कंपनीज मतलब एक वेल सेटल्ड हैं और वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। बट जो कंपनीज लॉसेस में जा रही हैं, जो कंपनीज किसी भी फाइनेंशियल रीजन की वजह से या फिर बिजनेस मॉडलिंग की वजह से या किसी और रीजन की वजह से लॉसेस में जा रही हैं, उन कंपनीज का रिवाइवल किस तरीके से हो, उसके ऊपर कोई भी इस तरह का कोई क्रेडिट या कोई बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या बैंक हो, कहीं से भी नहीं मिलता है। दूसरी तरफ क्या होता है कि लॉस मेकिंग एंटिटीज को बैंक भी ये क्रेडिट फैसिलिटी किसी तरह का नहीं देती है, क्योंकि क्या होता है कि उस केस में मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि बैंक को अपना पैसा डूबने का डर रहता है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को सेल्फ रिलायंट बनाए बनाने के लिए ये जो बिजनेस लॉसेस अगर वो अपना सेल कर सकते हैं मार्केट में, तो इससे अच्छा कोई भी मेथड नहीं होगा कि वो अपने आप सेल्फ रिलायंट बनेंगी और कंपनी स्टैंड हो जाएंगी। उसके बाद में अब क्या होगा कि जो टैक्स क्रेडिट्स होंगे उससे फायदा किस तरीके से मिलेगा वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे मान के चलिए एक कंपनी है एक्स, एक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उस एक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सपोज करके चलिए वो से 2017 में या 18 में वो एज ए स्टार्टअप कहीं पे रजिस्टर्ड हुई थी, और 5 साल से 6 साल से उस कंपनी में लॉसेज इनकर्ड हो रहे हैं जो कि जेन्युइन लॉसेज हैं, बिजनेस के लॉसेज हैं, R&D के हैं, सेलिंग के हैं या मार्केटिंग के हैं। अब क्या है कि उस कंपनी को फंडिंग चाहिए आगे सो दैट कि वो अपने ऑपरेशंस को रन कर सके। अब या तो उसके पास में दो रास्ते हैं कि या तो वो किसी इन्वेस्टर के पास में जाएगा और फंडिंग मांगेगा, तो माइट बी पॉसिबल कि उसको फंडिंग मिले या माइट बी पॉसिबल उसको फंडिंग नहीं मिले। सेकेंड इसमें ये हो सकता है कि वो किसी बैंक के पास में जाएगा और बैंक के पास में बोलेगा कि भाई मेरे को वर्किंग कैपिटल लिमिट दे दीजिए, मेरे को टर्म लोन दे दीजिए, या मेरे को और किसी तरह की क्रेडिट फैसिलिटी दे दीजिए। दोनों ही केसेस में उसकी प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि उसको 99% उसको नहीं होगा, मतलब उसको लिमिट नहीं मिलेगी, या और 1% की प्रोबेबिलिटी है शायद उसको इन्वेस्टर और उसको फंड्स दे सके। बट अगर इसका एक दूसरा तरीका ये हो कि उसकी बैलेंस शीट के अंदर, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो एक्युमुलेटेड लॉसेस हो रहा है, अगर वो उस लॉसेस को मोनेटाइज कर दे, मार्केट में बेच दे किसी दूसरी कंपनी को जो उसी की सेम मतलब पीयर इंडस्ट्री की हो, ऐसा नहीं है कि मतलब एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में वो मतलब लॉस सेल हो, बट विद इन द इंडस्ट्री भी अगर मान के चलिए IT कंपनी है तो वो किसी दूसरी IT कंपनी को, या कोई फार्मा कंपनी है तो वो किसी दूसरी फार्मा कंपनी को, केमिकल कंपनी है तो वो किसी केमिकल कंपनी को, अगर वो लॉसेस को सेल कर दे, तो सेल करने के बाद में क्या होगा कि वो अपने बुक से लॉसेस को हटा देगी जिससे उसकी बैलेंस शीट कुछ हद तक इम्प्रूव हो जाएगी,
दूसरी चीज क्या होगी, उसके पास में वर्किंग कैपिटल हो जाएगी, और तीसरी चीज क्या होगी, वो मार्केट से हटेगी नहीं, यानी कि मार्केट में वो स्टेबल रहेगी, और जो ओनर्स हैं या जो बिजनेस कर रहा है बंदा, उस बंदे के लिए मतलब ये बेनिफिट होगा कि वो अपने आप को स्टैंड कर पाएगा अगर उसका कहीं पे कोई बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसका सपोर्ट नहीं करती है। देखिए आज के दौर में क्या है कि एक मर्जर एंड एक्विजिशन होता है या फिर अमलगमेशन होता है, केवल ये दो मेथड हैं, ये इनडायरेक्ट मेथड आप कह सकते हो बिजनेस के लॉसेस को एब्जॉर्व करने के। मर्जर एंड एक्विजिशन और अमलगमेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और मेनली 1.5 से 2 साल, 3 साल तक, 4 साल तक भी इसमें लग जाते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में। इसके बाद में एक लंबी चौड़ी ड्यू डिलिजेंस होती है, गवर्नमेंट की कॉस्टिंग होती है, एक प्रोफेशनल की बहुत कुछ, केवल कुछ ही इसमें प्रोफेशनल्स ऐसे होते हैं जो इस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं और उनकी बहुत हाई लेवल पे कॉस्टिंग होती है जो कि बहुत सारी कंपनी नहीं कर पाती हैं। और ये सारी रीजंस की वजह से भी बहुत सी बार ऐसा होता है कि मतलब कि बहुत सारी स्मॉल कंपनीज होती हैं, बहुत सारी मीडियम कंपनीज होती हैं, वो कंपनीज इस प्रोसेस के अंदर नहीं जाना चाहती हैं या नहीं कर पाती हैं। तो ऐसी कंपनीज के लिए इस तरह का अगर एक अरेंजमेंट होगा तो ये एक बून है, एक वरदान है, और ऐसी कंपनीज बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा में है इस टाइम इंडिया के अंदर, और फ़ायदा मिलेगा कंपनी को, इकोनॉमी को, गवर्नमेंट को भी एज वेल, क्योंकि जो लॉसेस सेल होंगे तो गवर्नमेंट उस लॉसेस के अंदर गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, जैसे कि अगर मान के चलिए जो कंपनी सेल कर रही है उसके ऊपर गवर्नमेंट GST भी लगा सकती है, सो दैट कि गवर्नमेंट को GST का फ़ायदा हो जाए। उसके बाद में गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि परचेजिंग कंपनी का भी एक लिमिट सेट कर सकती है कि कितना लॉसेस तक आप एक साल में यूटिलाइज कर सकते हो। अब जैसे कि अगर ये एक चार्ट अगर आप देखते हैं तो इस चार्ट के अंदर जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हम कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बिजनेस के अंदर कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो ये सारा लॉसेस हैं जो यहाँ पे हैं कि हम कहाँ कहाँ पे सेट ऑफ कर सकते हैं। अब बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि मेरे बिजनेस के लॉसेज हैं, मैं 8 साल तक उसको एकोमोडेट ही नहीं कर पाया, वो लॉसेज मेरे एक्सपायर हो गए, उन लॉसेज को मैं यूज़ नहीं कर पाया कि क्योंकि आज के टाइम में केवल अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो होता है केवल हम उसी को इनफाइनाइट पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी एक दूसरी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को बिजनेस के लॉसेज जो अनएक्सपायर्ड जो एक्सपायर होने वाले हैं वो भी सेल कर सकती है, तो उससे भी एक आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अब जैसे कि यही है कि जैसे कि ये अगर M&A का अगर आप देखेंगे कि ये 10 पॉइंट्स का इसमें प्रोसेस है, जैसे कि हम एग्जामिनेशन करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह को बताती हैं, लिस्टेड कंपनीज के केस में होता है, और 1 से 2 साल लग जाता है, 30 लाख 40 लाख रुपए लग जाते हैं, बहुत ही हाई इसमें कॉस्टिंग हो जाती है मर्जर और एक्विजिशन के केसेस में। अब ये देखिए कि ये वाला जो सॉल्यूशन जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सॉल्यूशन शायद सब लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छा सॉल्यूशन है, जो एक आज की नीड है, आज की रिक्वायरमेंट है कि इस तरह का एक सॉल्यूशन होना चाहिए। अब इसमें ये देखिए कि ये जो सॉल्यूशन है इससे फ़ायदा किस किस को होगा, इससे फ़ायदा गवर्नमेंट को भी होगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इससे फ़ायदा प्रोफेशनल्स को भी होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को होगा, कंपनी सेक्रेटरी को होगा, कॉस्ट अकाउंटेंट्स को होगा, इवन दो लॉयर्स को भी होगा, और भी अलग जो डिफरेंट इंडस्ट्री के टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं उनको भी फ़ायदा होगा, और इसके अलावा इससे बिजनेस हाउसेस को तो फ़ायदा होगा ही होगा। ये एक विन विन सिचुएशन है, और विन विन सिचुएशन इसलिए है कि जो एक कंपनी जो एक बिजनेस एक लॉस क्रिएट कर रहा है उस बिजनेस को हम सारे लोग मिलकर हेल्प करेंगे उसके सर्वाइवल के लिए और उसको एक नई लाइफलाइन देने के लिए। तो ये जो मेथड है ये उस सब चीज़ के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा, ये हेल्प करेगा। अब गवर्नमेंट इसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकती है कि गवर्नमेंट इसका एक सेपरेट एक्ट बना सकती है, जैसे कि मान के चलिए कि अगर ये टॉपिक गवर्नमेंट लेती है, जैसे कि सी इंस्टीट्यूट, CSI इंस्टीट्यूट या कॉस्ट इंस्टीट्यूट की एक कमेटी फॉर्म कर सकती है, उसमें कुछ मेंबर्स को चुन के, कमेटी फॉर्म होने के बाद में इस टॉपिक को ब्रॉडली पढ़ा जा सकता है, और उसके बाद में अगर ये टॉपिक रियल में फिजिबल है मार्केट के अंदर, जो मुझे लगता है जो है रियल में एज पर मी, तो इसके ऊपर बाद में एक रिकमेंडेशन करके हम इसके ऊपर एक सेपरेट एक्ट बना सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो एक्ट एक एप्लीकेबल होगा सारी कंपनीज के ऊपर। उसके बाद में इसके एक सेंट्रल रिपोजिटरी भी बन सकती है इस सारी चीज़ों की, जिसमें कि जितनी भी कंपनीज है जो लॉसेस क्रिएट कर रही हैं
जिसका जेन्युइन लॉस है, वो सारी कंपनी इसमें अपना सारा डेटा डाल सकती है, एक सेंट्रल रिपोजिटरी बन सकती है स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, और आप उस रिपोजिटरी से डेटा निकाल के और उसके बाद में हम उसमें इस तरह के अरेंजमेंट कर सकते हैं और एक मार्केट प्लेस बन सकता है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस बन सकता है सेलिंग और परचेजिंग ऑफ द बिजनेस लॉसेस का। अब इसके बाद में ये है कि एक यहाँ पे इलस्ट्रेशन मैंने दिया हुआ है, आप लोग इस इलस्ट्रेशन को देख सकते हैं कि अगर मान के चलिए ये प्रपोज्ड एक स्ट्रक्चर होगा तो किस तरीके से होगा। अब देखिए, अगर ये प्रपोज स्ट्रक्चर होगा तो इसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई भी बिजनेस लॉसेस मेरी बुक्स के अंदर आ रहा है, मैंने पूरा का पूरा बिजनेस लॉसेस एज इट इज उठाया और उसको सेल कर दिया। उसी काम को करने के लिए प्रोफेशनल की हेल्प पड़ेगी यानी कि चाहिए होगी कि भाई मैं लॉसेस कौन सा जेन्युइन लॉसेस होगा, क्योंकि देखिए बहुत सी कंपनी ऐसा होता है कि मॉल प्रैक्टिसेस करती हैं, गलत प्रैक्टिसेस करके गलत बिजनेस के लॉसेस को भी जनरेट करती हैं। तो इसका भी एक मेथड होना चाहिए, मतलब ये वाला अगर जो प्रोसेस होगा, जो एक्ट बनेगा या सेपरेट इसके ऊपर स्टडी होगी, तो उसमें ये भी होगा कि कौन कितना एलिजिबल लॉसेस होगा। जैसे कि आज हम मैट का जो क्रेडिट होता है, एक कितना मैट का क्रेडिट हम ले सकते हैं या कितना कितना प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स होता है जिसके ऊपर हमें टैक्स देना चाहिए। तो इनकम टैक्स के ऊपर जैसे डिफरेंट डिफरेंट मेथड दे रखे हैं, जिसके मेथड की कैलकुलेशन के बाद में एक पता चलता है कि इतना इतना एलिजिबल अमाउंट है, इसी तरह एक लॉस का भी एलिजिबल अमाउंट डिटरमाइन हो सकता है, और वो एक डेफिनेट बात है कि वो एक प्रोफेशनल ही करेगा। और वो जो एलिजिबल अमाउंट होगा, उस एलिजिबल अमाउंट में केवल बिजनेस रिलेटेड जो लॉसेस होंगे, केवल उन्हीं लॉसेस को जो है मतलब आपको सेल करने की परमिशन होगी। ठीक है, मान के चलिए कि जैसे कि अगर कोई आपने रिलेटेड पार्टी से ट्रांजेक्शन किया है, वो रिलेटेड पार्टी आप खुद हो, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन किया है जिसमें एक कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी कंपनी को लॉस हो रहा है, तो उस तरह के लॉसेस को, इस तरह के जो ट्रांजेक्शन्स हैं, हम उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, या फिर मान के चलिए कोई अननेसेसरी कोई अदर इनकम है, या कोई अदर दूसरी तरह के अपार्ट फ्रॉम बिजनेस, कोई मान के चलिए मैंने फर्नीचर सेल किया या कोई और किसी तरह का कोई ऐसा किया जो बिजनेस से रिलेट ही नहीं करता लॉस, तो उस तरह के लॉसेस को भी हम इसमें रिड्यूस कर देंगे। या फिर इसमें तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि जैसे मान के चलिए कि मैंने एक बिजनेस क्रिएट किया, उस बिजनेस के अंदर मैं लॉसेस सेल दिखाई जा रहा हूँ, बट मेरा डेटर से कोई भी रियलाइजेशन नहीं है, तो वो डेटर का रियलाइजेशन भी उसमें रिड्यूस हो सकता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो लॉसेस होंगे, जो लॉसेस की वैल्यू हम सेल करेंगे, उस लॉसेस की वैल्यू सेल का जो तरीका होगा वो भी एक उसमें डिफाइंड होना चाहिए एक्ट के अंदर कि कितना एलिजिबल लॉस सेल कर सकते हैं और कितना एलिजिबल लॉस है एक कंपनी के अंदर, तो उसको एक डिटरमाइन करने के लिए भी एक प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट होना वहां पे मैंडेटरी हो जाता है। अब देखिए, अगर लॉसेस सेल होंगे तो उससे सेलिंग कंपनी को भी फायदा है और बाइंग कंपनी को भी फायदा है। सेलिंग कंपनी को ये फायदा है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन उसकी इंप्रूव होगी, वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इम्प्रूव कर पाएगा, उसकी बैंक के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसके मतलब कि वर्किंग कैपिटल की क्राइसिस है या उसके अनअब्जॉर्ब बिजनेस के लॉसेस बेकार हो रहे हैं, तो वो सारे भी उसके दूर हो जाएंगे। अब जो बाइंग कंपनी है उसके ऊपर डेफिनेट बात है कि एक टैक्सेस के जो बर्डन होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे, और उसके बाद में एडिशनल उसके पास में रिसोर्सेज हो जाएगी सो दैट वो उसको यूटिलाइज कर ले, और जो M&A के जो लीगल कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उससे भी इस चीज़ में रिलीफ मिल जाएगी, हमको M&A के अंदर जाने की जरूरत नहीं, या फिर ये प्रैक्टिस भी मतलब M&A का हमें रास्ता ही ऑप्ट नहीं करना पड़ेगा इस चीज़ को करने के लिए। अच्छा, गवर्नमेंट को इसमें सबसे ज़्यादा फायदे हैं। गवर्नमेंट को इसमें फायदे क्या होंगे कि उसके ऊपर एडिशनल टैक्सेस उसको जनरेट होंगे गवर्नमेंट के ऊपर। एडिशनल टैक्सेस कैसे जनरेट होंगे कि जब गवर्नमेंट लॉस मेकिंग कंपनी जब लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को अपने लॉसेस को सेल करेगी तो गवर्नमेंट उस पर इनडायरेक्ट टैक्सेस ले सकती है, जो कि लॉस मेकिंग कंपनी अभी गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं देगी, बट अब जब वो अपना लॉस सेल करेगी तो वो टैक्सेस देगी। जैसे मान के चलिए एक कंपनी XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, वो कंपनी 5 साल से 6 साल से लॉस कर रही है, तो 6 साल से वो गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं दे रही है, कोई भी डायरेक्ट टैक्सेस नहीं दे रही है। बट जब अगर वो अपने लॉसेस को सेल करेगी तो डेफिनेटली वो उस सेल के ऊपर वो उसकी इनकम बन जाएगी और डेफिनेटली वो उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स देगी। उसके बाद में इसमें क्या होगा कि टैक्स पेयर का बेस भी बढ़ जाएगा, यानी कि आज जो छोटे छोटे टैक्स पेयर्स हैं, छोटे छोटे बिजनेस हाउसेज हैं जो बंद हो जाते हैं,
तो वो भी मतलब सारे टैक्स के नेट में आ जाएंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि एक मेरे पास में सॉल्यूशन है, और लोगों को एक नई हिम्मत मिलेगी कि हाँ ठीक है मैं बिजनेस करके देख सकता हूँ। क्योंकि अगर उसको पता होगा कि अगर मेरा बिजनेस भी लॉस बिजनेस में लॉस हो जाएगा या बिजनेस में नुकसान हो जाएगा, तो मैं उस बिजनेस के लॉसेस को भी सेल करके कुछ प्रॉफिट कर सकता हूँ। तो एक बिजनेसमैन के लिए भी एक उसको बिजनेसमैन को हिम्मत मिलेगी, और गवर्नमेंट को भी एक हिम्मत मिलेगी कि बहुत सारे बिजनेसेस मतलब बहुत सारे लोग जो है टैक्स पेयर के बेस में आएंगे। तो बेनिफिट इसमें यही रहेगा कि जो बिजनेस हाउसेज होते हैं, लोग जो होते हैं, उनको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनके लिए एक रास्ता खुल जाएगा कि हाँ अगर मैं बिजनेस करता हूँ मेरे को लॉस होता है तो भी कोई ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। देन आफ्टर दैट इसमें स्कैम्स और कॉलेप्सेस जो होंगे वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे जो स्कैम्स होते हैं कॉलेप्सेस होते हैं वो इसलिए हो जाते हैं कि लोगों को पैसे की जरूरत पड़ जाती है, लोगों को लॉसेस होते हैं, नुकसान हो जाता है, और उसकी वजह से एक बहुत हाई लेवल का लोग स्कैम करते हैं या उनका बिजनेस भी एकदम अचानक कॉलेप्स हो जाते हैं। तो ऐसे बिजनेस को भी इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट बेल आउट प्लान या कोई गवर्नमेंट का कोई राहत का पैकेज है या उस चीज़ों को भी हम अवॉइड कर सकते हैं, और ये सारा हो जाएगा। देन बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं जो कि खत्म हो रही हैं। वो इंडस्ट्री क्यों खत्म हो रही है? क्योंकि उन इंडस्ट्री में कुछ नया करने के लिए है नहीं, या उन इंडस्ट्री में बहुत सारा कैपेक्स चाहिए जो लोगों के पास में नहीं है, या फिर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है उन इंडस्ट्री के अंदर कि जैसे अगर मैं मान के चलिए वो इंडस्ट्री स्टार्ट करता हूँ तो माइट बी पॉसिबल कि वो इंडस्ट्री चले या नहीं चले। तो ऐसी इंडस्ट्री के लोगों को भी हिम्मत मिलेगी, वो एक नए स्टेप ले सकते हैं कि भाई ठीक है वी कैन ट्राई टू स्टार्ट द थिंग्स और वी कैन सी कि वेदर मतलब हमको प्रॉफिट मिलेगा, होगा कि नहीं होगा, तो उस चीज में भी उसमें हो सकता है। उसके बाद में एमएसएमई, स्टार्टअप, लॉस मेकिंग कंपनी, स्मॉल कंपनी, ये सारी जितनी भी कंपनीज हैं उनको बैंक के ऊपर कोई या बैंक्स के ऊपर उनको कोई बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, जिससे इनडायरेक्टली जो बैंक जो ये गवर्नमेंट और बैंक के बीच में सीआरआर और एसएलआर का जो खेल चलता है, बैंक रेट का खेल चलता है कि अब सिक्योरिटी के प्राइसेस कम कर दो या ज्यादा कर दो या कस्टमर से ज्यादा पैसा लेना है, तो वो सारी चीजें भी कुछ हद तक इनडायरेक्टली कंट्रोल हो जाएंगी। अब बात करते हैं प्रोफेशनल्स को इसमें क्या फायदा होगा। तो देखिए प्रोफेशनल्स चाहे वो सीए हो, सीएस हो, आईसीडब्ल्यू है हो, लॉयर हो या एमबीए हो या कोई और भी किसी तरह का प्रोफेशनल हो, जो टेक्निकल प्रोफेशनल जिसको हम कह सकते हैं, उसको सबसे बड़ा ये फायदा होगा कि ये जितना भी कंप्लीट प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, उस प्रोसेस में राइट बायर को फाइंड करने के लिए, राइट सेलर को फाइंड करना, ये सारा काम एक प्रोफेशनल का ही है जो एक सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू ही करेगा। ठीक है, तो एक प्रोफेशनल का अगर आप एक आज की स्थिति देखिए कि प्रोफेशनल केवल कुछ ही चीजों पे बेस्ड है, मतलब मैं मेजर प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि मतलब से अगर मतलब 80-90% प्रोफेशनल केवल टैक्स ऑडिट पे बेस्ड हैं या जीएसटी पे के ऊपर बेस्ड हैं, अब वो प्रोफेशनल्स को इतने साल हो गए वो टैक्स ऑडिट से ऊपर उठ के उन्होंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि एक नया रास्ता ही नहीं था। और जो एमएनडी का रास्ता है या एमलगमेशन का रास्ता है वो इतना कॉम्प्लेक्स है, 90% में ये सक्सेसफुल नहीं होता, तो मेजर चंक ऑफ द प्रोफेशनल इस प्रोसेस में घुसना ही नहीं चाहते हैं, दे डोंट वांट टू एंटर इनटू दिस, क्योंकि एक सक्सेस फी बेस्ड ये वाला एक प्रोफेशन होता है, वो ये एक प्रैक्टिस होती है एमएनडी की, और इसमें 99% केसेस में ये सक्सेसफुल नहीं होती है। तो प्रोफेशनल्स के लिए एक जो स्मॉल कहीं छोटे शहर में कोई एक प्रोफेशनल बैठा हुआ है, कोई छोटा प्रोफेशनल है, उसके लिए एक फायदा होगा कि ड्यू डेलीजेंस की उसकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि वो एक स्मॉल एमएसएमई कंपनी का ड्यू डेलीजेंस इजीली मैनेज कर सकता है। ठीक है, फिर वो और एक राइट टारगेट को फाइंड कर सकता है, चाहे वो बायर साइड से हो चाहे वो सेलर साइड से हो, उसका वर्क फ्लो बढ़ेगा, क्लाइंट का बेसिस बढ़ेगा। ठीक है, और जो ये एंड टू एंड ये वाला जो प्रोसेस है, इवन तो ये वाला जो प्रोसेस है इसकी एक टाइमलाइन भी गवर्नमेंट को रखनी चाहिए, जैसे कि विद इन 2 month ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, 3 month होना चाहिए, बट ये एंड टू एंड जो प्रोसेस होगा इस प्रोसेस में भी वो बिजनेस हाउसेस की हेल्प कराएगा, चाहे वो बायर साइड का हो या सेलर साइड का हो। और प्रोफेशनल का सबसे बड़ा जो धर्म होता है, जो काम होता है, वो ये चेक करेगा कि लॉज जो हैं इंडिया के, जो भारत के कानून हैं, वो सारे एधर होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो तो वो अनएथिकल हो। तो इस सारी चीजों में प्रोफेशनल इन बिजनेस हाउसेस में हेल्प करेगा, इस प्रोसेस में हेल्प कर सकता है। अब इसके बाद में एक यहाँ पे मैंने एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इस इलस्ट्रेशन को अगर आप देखेंगे बाद में, अगर आप इसको रीड करिएगा, तो
तो इस इलस्ट्रेशन में क्या है कि दोनों तरीके से है कि अगर मान के चलिए कोई बिजनेस के पास में अनएब्जॉर्ब बिजनेस के लॉसेज आ रहे हैं या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आ रहे हैं, तो वो उसको किस तरीके से उसको सेल करने के बाद में यूटिलाइज कर सकता है। और इसमें मैंने दो कंपनीज इसमें ली हुई हैं, अगर आप इसको देखेंगे तो ओवरऑल मैं आपको बिल्कुल नटशेल में इस वाली स्लाइड पे लाके बता देता हूँ। जैसे कि इसमें एक कंपनी है PQR प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है इसमें XYZ प्राइवेट लिमिटेड। तो आप ये देखिए कि PQR ने XYZ को लॉस सेल किए, और आप ये देखिए कि उसका प्री सेलिंग कंडीशन क्या है उसकी, और पोस्ट सेलिंग की उसकी फाइनेंशियल्स की पोजीशन क्या है। यहाँ पे XYZ की प्री बाइंग की कंडीशन क्या है, यानी कि बाई करने से पहले वो कैसी दिखती थी और बाई करने के बाद में वो कंपनी कैसी दिखती है। और ओवरऑल अगर आप ये चेक करेंगे कि नेट इनफ्लो और नेट आउटफ्लो, तो आप ये देखेंगे कि जो PQR कंपनी थी, जो इस ट्रांजेक्शन को, जो प्रपोज ट्रांजेक्शन इस ट्रांजेक्शन के होने से पहले बहुत ही खस्ता हालत में थी, और वो मतलब अज्यूम कर रहे थे कि भाई हमको किसी भी तरीके की हेल्प मिल जाए सो दैट कि हम मतलब सर्वाइव कर लें या दोबारा रिवाइव कर लें, स्टैंड हो जाए मार्केट में। आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन ये देखिए कि वो कंपनी के पास में इनफ्लो में मोर देन 15 लाख रुपीज उसके बैंक अकाउंट में रहेगा, और जो XYZ लिमिटेड है वो उसको भी एक विन विन सिचुएशन है। सो इन द लास्ट में बस आपको यही बोलना चाहूंगा कि ये एक प्रपोजल है मेरी तरफ से। इवन दो मैंने कई सारी फोरम्स में बहुत सारे ICI के जो मेंबर्स हैं, सीनियर मेंबर्स हैं, उन लोगों के सामने इस प्रपोजल को रखा है, और मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रपोजल के ऊपर काफी एक एक डीप स्टडी हो, प्रॉपर तरीके से एक इसकी कमेटी बने, चाहे वो कोई भी प्रोफेशनल बॉडी बनाए, और इस प्रपोजल के ऊपर एक काम होना चाहिए, इसकी फिजिबिलिटी चेक होनी चाहिए, और डेफिनेटली फिजिबल है एज पर माई बेस्ट अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद में क्या है कि इसके ऊपर एक प्रॉपर लॉ बना के, एक पायलट प्लान बना के इसके ऊपर वर्क होना चाहिए, सो दैट कि ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को भी फायदा हो, बिजनेस को भी फायदा हो, गवर्नमेंट को भी फायदा हो, और मोस्ट एंड मोस्ट प्रोफेशनल्स को भी फायदा हो। देखिए CA प्रोफेशन के लिए एक गेम चेंजर है ये। गेम चेंजर मैं बार बार इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि अगर ये इस तरह का एक अरेंजमेंट या इस तरह का एक सेलिंग ऑफ द बिजनेस लॉसेज अगर ये हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और अगर हम मैं अपने बिजनेस के लॉसेस को सेल कर सकता हूँ, तो प्रोफेशनल एक उसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट प्रोसेस में एक प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी। और इसमें क्या होगा कि स्मॉल और मीडियम जो प्रोफेशनल्स हैं, जो आजकल जो एक नई यंग जनरेशन जो आ रही है, उन टाइप के प्रोफेशनल्स को अपनी प्रैक्टिस को एस्टेब्लिश करने में भी हेल्प मिलेगी। दूसरी तरफ यह है कि बिजनेस हाउसेस को क्या हेल्प मिलेगी कि बहुत से लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं बट बिजनेस करने से डर जाते हैं। वो क्यों डर जाते हैं कि उनको लगता है कि यार लॉस हो गया, नुकसान हो गया तो क्या होगा, कैसे लाएंगे पैसे, कैसे लोगों का पैसा चुकाएंगे। तो ऐसे लोग जो ऐसे यंग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो चाहते हैं कि हम बिजनेस करें बट वो डर जाते हैं, वो डर क्यों जाते हैं क्योंकि नुकसान होने का डर होता है। तो अगर मैं नुकसान को भी फायदे में कन्वर्ट कर दूं या नुकसान से भी अगर मैं कुछ पैसा निकाल लूं या कुछ बना लूं, तो फिर शायद कुछ हद तक मेरा डर कम हो जाएगा, और मैं मार्केट में बिना डर के किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी सेक्टर के अंदर, मैं विदाउट किसी बहुत बड़ी कंपनी के या विदाउट किसी बहुत बड़े सपोर्ट के भी मैं इंडिपेंडेंटली काम कर सकता हूँ। तो बिजनेस के लिए ये फायदा है। देन गवर्नमेंट के लिए फायदा है कि गवर्नमेंट को बैंक के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, या ये बार बार CLR SRR का जो खेल चलता है, या फिर अगर कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है बैंक्स को लोन देना पड़ता है अननेसेसरी। ये जो लोन का भी एक बहुत बड़ा गेम चलता है, ये आप सबको पता है, यू ऑल आर द प्रोफेशनल, वो भी एक कुछ हद तक कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि फिर एक लोन की जो क्राइसिस है, जो एग्जिस्टिंग MSMEs का जो बहुत बड़ा एक चैलेंज है अपने आप में, वो कुछ एक एक्सटेंड तक कम हो जाएगा। और जो गवर्नमेंट है, डेफिनेटली ये सारी चीजें, अगर एक बिजनेस सही हो जा रहा है, एक प्रोफेशनल एक हेल्प कर रहा है गवर्नमेंट को, एक बैंक अच्छी तरीके से चल रही है, तो डेफिनेटली डायरेक्टली एंड डायरेक्टली गवर्नमेंट को कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक इकोनॉमी बहुत अच्छी तरीके से फ्लरिश हो जाएगी। मतलब आई मीन टू से कि कुछ एक एक्सटेंड तक तो बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ेगा, चेंज होगा। तो इसलिए बस मैं इन द लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग इस टॉपिक को आगे लेके जाइए, जो मेरे CA CS और ICWA के प्रोफेशनल्स जो फ्रेंड्स हैं, वो सारे फ्रेंड इस टॉपिक को एक हायर फोरम में रखें, डिस्कशन करें,
और इस टॉपिक को एक प्रैक्टिकली रियली इम्प्लीमेंट करें, नॉट इंस्टेड ऑफ की पीपीटी या फिर केवल एक डॉक्यूमेंटेड रह के ये खत्म हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि ये टॉपिक एक रियल उसमें वर्ड में आए और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसका फायदा उठाएं। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको कुछ इस तरह का लगता है कि कुछ इस तरह की चीजें और होनी चाहिए या कुछ इस तरह के जो न्यू टाइप के बिजनेसेस हैं या कोई ऐसी चीज है जिसपे मैं वीडियो बनाऊं, तो डेफिनेटली आप मेरे को पिंग कर सकते हैं। और मेरा मैं आपको बता देता हूँ कि मैं बेसिकली ये नई तरह की रिसर्च जो होती है या कोई नए बिजनेस को रिव्यू करने में मेरा एक्सपर्टाइज है और मैं उसको देखता रहता हूँ। तो डेफिनेटली अगर कुछ ऐसा रहता है तो आप कमेंट करिए, माइट बी